हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और इस चैप्टर के जो सब टॉपिक्स हैं पढ़ते पढ़ते हम आ गए हैं कोऑर्डिनेशन द असेंस ऑफ मैनेजमेंट पर सो so ये जो टॉपिक है बहुत ही कंसेप्चुअल है आपको अच्छे से बनेगा प्लीज इसके नोट्स बनाना है एंड क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर में केस स्टडीज नोट डाउन करनी है ओके सो स्टूडेंट्स आप सभी हैं इंडिया के ओनली फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म डैट इज मैगनेट ब्रेन्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑफ किंडरगार्डन टू क्लास ट्वेल्थ यस ऑल द कोर्सेज इसके अलावा हम आपको तैयारी कराते हैं सी बी एस ई बोर्ड की एंड कुछ स्टेट बोर्ड की भी अगर आपको ई e नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ये इंडिया का ओनली फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है अगर आपके कोई आ, पहचान में है या कोई आपके फ्रेंड्स हैं जिनको पढ़ना है ऐप्सल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट दैट टू क्वालिटी एजुकेशन डू शेयर दिस वीडियो विद दैम एंड जल्दी से लाइक like करो देन वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके सो कॉर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने पांच फंक्शंस पढ़े थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये जो फाइव फंक्शंस थे ये क्या क्या थे आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में ये थे फर्स्ट प्लानिंग दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग तीसरा था स्टाफिंग ठीक है नेक्स्ट था डायरेक्टिंग एंड नेक्स्ट था कंट्रोलिंग ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये पांच फंक्शंस थे जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए ज़रूरी हैं पर क्या ये फंक्शंस नहीं हो तो क्या बिज़नेस अच्छे से चल सकता है फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लान नहीं बनाऊं तो बिजनेस चल तो जाएगा बट सारे जो वर्क अलाइन होंगे वो बिखरे बिखरे से होंगे पर क्या ऐसा है कि बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है बिजनेस परफॉर्म ही नहीं हो सकता तो ये सारे फंक्शंस भी ज़रूरी हैं बट एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट की एसेंस है यानी मैनेजमेंट इसके बिना हो ही नहीं सकती अगर दो वर्कर्स के बीच में तालमेल ही नहीं है तो काम कैसे होगा सो so, जो फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ डैट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट वो है कोऑर्डिनेशन ठीक है द प्रोसेस बाई विच मैनेजर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कॉर्डिनेशन ठीक है इस लाइन को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है द प्रोसेस मैनेजर सिंक्रोनाइजेस यानी एक्टिविटीज जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको सिंक्रोनाइज करना यानी एक साथ एक जगह पे काम पे लगाना उसको बोलते हैं कॉर्डिनेशन ठीक है नाउ नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो कॉर्डिनेशन uh, है वो एक ऐसा फोर्स है जो सारे फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के उनको बाइंड करके चलता है कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस और प्राइमरी फंक्शन एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज़ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज़ अब इस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज़ डिपार्टमेंट जो है ये रॉ मटेरियल परचेस करके देता है किसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ठीक है रॉ मटेरियल पैकेजिंग जितने भी सामान लगते हैं सब परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति है उसकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड के साथ बिल्कुल नहीं बनती एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसको कम्युनिकेट करना ही बंद कर दिया कि उसको कितने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है और ये अपने अंदाज से मटेरियल्स इसको दे रहा है दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो अब बताइए क्या काम अच्छे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा बोलेंगे ना लड़ाई वड़ाई घर जाके करो बट अभी तो काम पे ध्यान दो तो मैनेजर ने क्या किया इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जमाने के लिए इस व्यक्ति क्योंकि इसकी पोस्ट छोटी थी इसका पहले ग्रीवियंसेज सुने इसकी भी ग्रीवियंसेज सुने इसकी पोस्ट बड़ी थी दोनों में राइट जो था वो ये व्यक्ति था भले ही उसकी छो, छोटी पोस्ट थी पर वो जो बातें बोल रहा था मैनेजर को लगा कि वो सही है ठीक है एंड मैनेजर को ऐसा लगा कि ये अपनी पोजिशन का मिस कर रहा है क्योंकि वो हायर पोजीशन पे है तो कोऑर्डिनेशन जमाने के लिए इन दोनों को बिठाया इन दोनों के डिस्प्यूट को सेटल किया एंड इसके साथ-साथ काम को स्मूथ रन होने दिया ये होता है कोऑर्डिनेशन कि एक व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट का दूसरे व्यक्ति से अगर रूठ के बैठा है तो काम कैसे होगा ठीक है काम कैसे होगा सो so, ये होता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है लेट्स टेक एन एग्जांपल सो लड़कियों का सपना एक ऐसा स्टोर जहाँ पे एक सेक्शन में कपड़े हों एक सेक्शन में जूते हों एक सेक्शन में बैग्स हों एक सेक्शन में कॉर्ड सेट्स हों और क्या चाहिए जीवन सेट ठीक so, है सो एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक्स वाई जेड फैशन ट्रेंड का ये एक स्टोर है जो कि रिटेल स्टोर है ठीक है आप ये क्या सेल करते हैं क्लोदिंग एक्सेसरीज एंड फुटवेयर ठीक है यहाँ पे आपको एक्सेसरीज मिलती हैं कपड़े मिलते हैं एंड फुटवेयर मिलता है बैग्स भी हैं कुछ कुछ ठीक है द स्टोर हैज़ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग सेल्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट कस्टमर सर्विस एंड मार्केटिंग स्टोर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ओके स्टूडेंट्स तो अब कोऑर्डिनेशन कैसे होना है पहले तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट यानी मैं कौन सी जगह पे क्या रखूँ जैसे इस एरिया में मैंने ड्रेसेस रखी एंड इस एरिया में मैंने कॉर्ड सेट्स रखे जो आजकल चल रहे हैं ठीक है इस एरिया में क्योंकि शूज डिस्प्ले हो सकते हैं तो इस एरिया में मैंने शूज रखे ठीक है सो ये क्या है प्रोडक्ट प्लेसमेंट द मैनेजमेंट टीम कोऑर्डिनेट्स विद सेल्स एंड मर्केंडाइजिंग डिपार्टमेंट्स टू एंश्योर डेट प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड अट्रैक्टिवली आप कोई भी मॉल में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि प्रॉपर सोफाज जो होते हैं उस पर शूज लगे हुए हैं ताकि जो कस्टमर एंटर कर रहा है उसको वो अट्रैक्ट करे वो बोले वाह सच अ प्रिटी पीस ठीक है ऐसे बोले सो so, यहाँ पर प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्ट्रेटिकली दे प्लान द प्रोडक्ट प्लेसमेंट बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज सीजनैलिटी ट्रेंड्स कस्टमर प्रिफ्रेंसेज टू मैक्सिमाइज द सेल्स ओके प्रोडक्ट कहाँ रखना है कैसे रखना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लेट्स फॉर टेक एन एग्जांपल अगर रिपब्लिक डे सेल चल रही है तो ऐसे कपड़े जिसमें अपना तिरंगा हो देश का ठीक है वैसे कपड़े सबसे आगे रखे जाएंगे एंड उस पर्टिकुलर डे के लिए आ, जो पहले के कपड़े सेल होते थे लाइक नॉर्मल क्लोथ्स ये वाले कोड सेट्स एंड ड्रेसेस इसको थोड़ा पीछे रख दिया क्योंकि रिपब्लिक डे था ओके okay, सो so, प्रोडक्ट प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है कि सीजनेलिटी क्या है ट्रेंड्स क्या है तो जो अभी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं जैसे रिब जीन्स कॉर्ड सेट्स वो हम आगे रखेंगे एंड स्नीकर्स वगैरह भी आगे रखेंगे एंड बाकी चीज़ें थोड़ा पीछे कस्टमर आए तो एक्सप्लोर करेगा तो इससे क्या होता है सेल्स मैक्सिमाइज होती है सो so ये होती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट नाउ नेक्स्ट इन्वेंट्री कंट्रोल यानी कितना सामान लाना है उस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर में कितना री करना है आपने देखा होगा हमारे घर में पता भी नहीं चलता कब मम्मी आटा पिसवाने को दे देती है, है? ठीक कैसे उनको पता होता है कि गेहूं का जो डिब्बा है अपन ने उससे आटा बनवाया तो आटा जो पिसके आया वो आधा हो चुका है ठीक है नाउ इट्स द टाइम टू री स्टॉक दो दिन तो लगेंगे अगर दूर है चक्की तो तो वो क्या करती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक कॉन्सेप्ट होता है जो वो इनबिल्ट उनके माइंड में फिट है ठीक है सारी मदर्स के तो अगर कोई व्यक्ति कुकिंग करता है तो उसको पता होता है कि इतना आटा लगना है ये आटा दो दिन चल पाएगा एंड इसके बाद मुझे फिर से पिसवाना पड़ेगा तो वो अभी से दे देती है ओके सिमिलरली रिटेल स्टोर में इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होगा इतना सामान बिक चुका है इतनी की और ज़रूरत है ये ट्रेंड है ये बुलवाना है ये सब से हमको क्या करना पड़ेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड री करनी पड़ेगी ओके नाव कस्टमर एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स एंड एसोसिएट एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स इज क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सलेंट कस्टमर सर्विस आप सपोज लैपटॉप परचेज करने गए किसी एक्स एक्सवाइज स्टोर से आप मॉल में गए आपने एक्स एक्सवाइजेड स्टोर से लैपटॉप परचेज किया आप आफ्टर परचेजिंग द लैपटॉप उसमें कोई भी डिफॉल्ट आते हैं आप स्टोर पर जाते हो एंड आपने उस स्टोर से उसकी जो वारंटी थी उस पीरियड में उसको रिप्लेस करवा लिया या फिर उसको ठीक करवा लिया सो so ये होती है आफ्टर कस्टमर सर्विस मान लीजिए कोई क्लोथ है वो डिफेक्टिव निकला या फिर कस्टमर को साइज इश्यूज आने लगे उनने एल ऑर्डर किया पर वो टाइट हो रहा है उनको एक्सेल चाहिए या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं शूज का साइज करेक्ट नहीं आया शूज पहनने के बाद घर जाने के बाद अनकंफर्टेबल लग रहे हैं तो आपने देखा होगा बिल्स में फिफ्टीन डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी होती है ठीक है तो उस पॉलिसी के अंदर कस्टमर्स क्या होते हैं सेटिस्फाइड होते हैं कि अरे यूज़ करके देख लेते हैं पंद्रह दिन में अगर कोई दिक्कत है तो चेंज करवा लेंगे सो so, यही थी रिटेल स्टोर की अच्छी कस्टमर सर्विस टो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इज वेरी क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग एक्टलेंट कस्टमर सर्विस ओके अगर ये नहीं हो तो कोई दुकान चल ही नहीं पाए क्रॉस डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन जैसे सेल्स मार्केटिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपने कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में अपने एफर्ट्स को अलाइन करते हैं उनका गोल क्या है मैक्सिमाइज करना सेल्स को प्रमोशनल कैंपेन्स इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर ठीक है या फिर न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स इन सब में अपनी प्रमोशन और जा जाके कैंप लगाना एग्जिबिशंस में पार्ट लेना मुझे स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पे कपड़े सेल करना ये सब किसका पार्ट होता है प्रमोशनल कैम्पिंग्स का सो so, जो मैनेजमेंट टीम है वो कोऑर्डिनेट करती है मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशंस के साथ कि इस तरह का फूड ट्रैफिक लेके आए और सेल्स को इंक्रीज़ करें फूड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करना ठीक है दे प्लान प्रमोशन प्रमोशनल इवेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिटेल स्टोर ने प्लान किया एक इवेंट जिसमें हम ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं सो so, इन्होंने ऐसे कॉटन क्लोथ्स प्रमोट किए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अपनी रिटेल स्टोर के यहाँ पर एग्जीबिशन में एक स्टॉल लगा के ठीक है इसका नाम था इसका नाम था ऑर्गेनिक मंडी ऑर्गेनिक मंडी ये एक पर्टिकुलर पार्क टाइप बना था उनमें उसने एक एग्जिबिशन लगाया यानी एक पर्टिकुलर स्टॉल लगाया सो so, ये क्या है प्रमोशनल इवेंट्स हैं डिस्काउंट्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ठीक है जनरेट बस अराउंड द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सीजनल ऑफरिंग्स ओके स्टूडेंट्स सो ये था अपना प्रमोशनल कैम्पेन्स नाउ स्टाफ शेड्यूलिंग अगर स्टाफ नहीं हो तो लोग एक लोग दूसरे लोग से कैसे बात करेंगे ठीक है सो स्टाफ शेड्यूलिंग कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंशियल फॉर शेड्यूलिंग स्टाफ टू इंश्योर कवरेज ड्यूरिंग पीक आवर्स एंड स्पेशल इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपके रिटेल स्टोर में इवनिंग में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और मॉर्निंग में तो कोई होता ही नहीं है तो मॉर्निंग में कोई केवल एक या दो स्टाफ की शिफ्ट लगा देंगे एंड इवनिंग में सेवन टू एट जो लोग हैं उनकी शिफ्ट लगा देंगे क्योंकि जो हमारा रिटेल स्टोर है वो थोड़ा हाई क्वालिटी सर्विसेज देता है हर एक कस्टमर को स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए तो स्टाफ शेड्यूलिंग इस हिसाब से हुई कोऑर्डिनेट करके कि हर जो मैनेजमेंट है रिटेल स्टोर की हर व्यक्ति एक न एक व्यक्ति हर कस्टमर के साथ प्रेजेंट हो ओके okay? नाउ The management द मैनेजमेंट टीम कंसिडर फैक्टर्स सचेज इम्प्लॉय अवेलेबिलिटी वर्क लोड कस्टमर ट्रैफिक staffing levels to स्टाफिंग यहाँ पर अपने ट्रैफिक पैटर्न स्टडी किया था इस वाले example में ओके okay. so हमने conclusion क्या निकाला फैशन ट्रेंड रिटेल स्टोर कोऑर्डिनेशन ये जो अपना XYZ फैशन ट्रेंड रिटेल स्टोर था इसमें कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स एंड स्टाफ मेंबर इज एसेंशियल फॉर ड्राइविंग सेल्स ऑप्टीमाइजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस तो जिस तरह से हमने कोलैबोरेशन किया अलग अलग रिसोर्सेज के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया तो रिटेल स्टोर भी चल पड़ा ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये था कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल नाउ लेट्स कम टू द बुक टॉपिक अभी तक हम पढ़ रहे थे सब मस्त मस्त केस स्टडीज एंड एवरीथिंग जिसमें इंटरेस्ट आता है जब बुक टॉपिक पढ़ने की बात आती है तो आंसर्स को याद करना होता है कीवर्ड्स को रिमेंबर करना होता है ये बात ध्यान रखना ओके सो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन ठीक है जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है कॉर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन Coordination is considered as the essence of management because of the following reasons. First, coordination is needed to perform all functions of management. The process of coordination begins at planning, a stage when the top-level management plans for the whole organization. Based on the plans, organization structure is developed, ho gaya, organizing. Next, staff is recruited. राइट right एग्जीक्यूशन के लिए डरेक्शंस दिए गए लास्ट में कंट्रोल यानी सारे फंक्शंस प्लानिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सारे फंक्शंस में कॉर्डिनेशन की ज़रूरत है तो कॉर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट और वन वन लाइन में आप, आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट कॉर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ठीक है टॉप लेवल पे क्यों रिक्वायर्ड है क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं मिडिल लेवल पे क्यों रिक्वायर्ड है क्योंकि वो बैलेंस करते हैं ठीक है थीके? वो लिंक है टॉप लेवल एंड लोअर लेवल पे लोअर लेवल पे क्यों रिक्वायर्ड है क्योंकि एक्टिविटीज़ एक्चुअली यहाँ पे कैरी ऑन होती है इसलिए वो स्मूथली कैरी ऑन हो कॉर्डिनेशन रिक्वायर्ड है नेक्स्ट कॉर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन सो हर ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑर्डिनेट नहीं करवाती वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती ये इंपॉर्टेंट लाइन है एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोऑर्डिनेशन की वजह से ही मैनेजर ऑर्डरली अरेंज कर पाता है इंडिविजुअल सो कॉर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन इन टू वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स ठीक है नाउ कोऑर्डिनेशन मेक श्योर डॉन्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली कोऑर्डिनेशन हो ही क्यों रहा है ताकि लड़ाई झगड़े ना हो एंड स्मूथली काम हो पाए सो so, ये लास्ट लाइन उस पर है ओके okay, कंक्लूजन यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस का एफर्ट्स का एक साथ मिलके सब काम करते हैं सो कोऑर्डिनेशन देर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन इट इंश्योर्स प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड विद द मिनिमम कॉस्ट ओके okay, प्लीज ये याद रखना प्लांड ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं किसके थ्रू मिनिमम कॉस्ट के थ्रू मिनिमम कॉस्ट ही इंडिकेट करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है और आप अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेते हो तो वो देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफेक्टिव है और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आफ्टर एनालाइजिंग द फीचर्स वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फंक्शंस आर फ्लावर्स एंड कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड दैट टाइज टू दीज फ्लावर्स टू फॉर्म अ गार्लेंट कितनी प्यारी लाइन लिखी है एक माला बनानी होती है तो हम एक एक फूल उस माला में पिरोते हैं सिमिलरली कोऑर्डिनेशन उस फूल की तरह है जो हम माला में पिरोते हैं तभी जाके पूरी माला कंप्लीट होती है और वो वो जो बीच वाले फूल है वो क्या होते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सो क्या लाइन लिखिए देखिए कोऑर्डिनेशन इज फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स एंड कॉर्डिनेशन इज अ थ्रेड दैट टाइज ऑल दीज फ्लावर्स टू फॉर्म द गारलेंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है नाउ ये था हमारा टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सो स्टूडेंट्स दिस वॉज आर टूडेज टॉपिक प्लीज़ मेक नोट्स प्रॉपरली प्लीज़ फोकस ऑन द की वर्ड्स अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स राइट इन द कमेंट बॉक्स वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है इसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट सेक्शन है हमारे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर किंडर गार्डन्स लेके क्लास ट्वेल्व तक की सारी कंप्लीट फुल्ली ऑर्गेनाइज वीडियोस मिलेंगी और इसके साथ ये जो शॉर्ट सेक्शन है यहाँ हम आपको अपडेट्स और प्यारी प्यारी वीडियोस देते हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं लाइव क्लासेस भी होती हैं हमारी ठीक है जिसमें हम आपको मैराथन क्लासेस और इसके साथ साथ जो हमारे सोल्यूशन क्लासेस हैं वो भी करवाते हैं नाव यहाँ इस वीडियो सेक्शन में आपको ये वीडियोस एंड बाकी लेक्चर्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे कोऑर्डिनेशन वगैरह मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस सारे वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे ओके स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पर आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कम्प्लीट कोर्सेज ऑफ ऑल द क्लासेज फ्राम किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ओके अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं सो वाई नॉट यू शेयर दिस चैनल लिंक टू देम ओके सो शेयर दिस वीडियो subscribe to the channel if you haven't. we are putting days and nights of efforts for you. please subscribe to the channel and agar like neekya or bili like kardo please. okay, now we have our other social media handles, facebook, instagram, twitter, telegram and whatsapp. so please go and check them out. coming to what are the courses we offer. we offer you cbse board and some state boards. so what are those state boards? delhi board, bihar board, up board, mp board and rajasthan board. Okay, if you have interest in Vedic Maths, you can check out our Vedic Maths course. Also, if you want to enhance your English from here to here, we have a spoken English course. We also conduct crash courses before the examination, so that too absolutely free of cost. So what are you waiting for? So much services at only one platform, Magnet Brains. Thank you so much. See you in the next video. Take care and drop all your doubts in the comment section.